Subscribe and click the bell icon for television updates. नमस्कार कुमकुम भाग्य और जी टीवी के दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं वेल well, uh, मेरी जन्माष्टमी जब मैं छोटी थी ना तब uh, मुझे कृष्णा बनाया जाता था राधा कभी नहीं बनी मैं फैक्ट मेरे फैक्ट uh, मेरी लाइफ का सबसे पहला प्ले मैंने कृष्ण लीला परफॉर्म किया था और वो मैंने चार साल तक परफॉर्म किया था और उसमें मैं काना बनी थी तो वो मेरा सबसे पहला uh, एक एक्सपीरियंस था जन्माष्टमी के लिए और उसके बाद जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो जन्माष्टमी का कुछ ऐसा हुआ कि Uh, मंदिर जाना मैंने शुरू किया uh, रात को 11 बजे हम सब मंदिर पहुंच जाते थे और खूब नाचते थे खूब नाचते थे जब तक मतलब थक नहीं जाते थे uh, हाथ पैर तब तक हम थ uh, तब तक हम नाचते ही रहते थे पर इस साल मुझे नहीं लगता कि हम uh, किसी मंदिर में जाके जन्माष्टमी मना पाएंगे uh, अपने ही घर में मैं uh, कोशिश करूंगी कि अच्छी तरह से पूजा करूं और uh, कान्हा जी का जन्म करूं। Action. इस साल की जन्माष्टमी तो खैर हम सब घर पर रहकर सेलिब्रेट करने वाले इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अपनी जन्माष्टमी घर पे के सेफली सेलिब्रेट करेंगे हैप्पी तो तो जन्माष्टमी मैं तो इस साल की जन्माष्टमी घर पे सेलिब्रेट करूंगी मैं तो इस साल की जन्माष्टमी घर पे रहकर सेलिब्रेट करूंगी सॉरी सर मैं इस बार की जन्माष्टमी घर पे रहकर सेलिब्रेट तो करूंगी आप लोग भी करिए नमस्कार कुमकुम भाग्य और जी टीवी के सारे दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी मतलब रिया मेहरा की ओर से अगर मैं आपको जन्माष्टमी की कुछ बातें सुनाऊं तो बचपन में आ, मेरा पहला प्ले मैं मैंने बचपन में सबसे पहला प्ले मैंने कृष्ण लीला <coughs> सॉरी या बचपन में मैं बचपन में मेरा सबसे पहला प्ले आ, मैंने आ, मैंने कृष्ण लीला परफॉर्म किया था और वो चार साल तक मैंने कृष्ण लीला में मैं काना बनी थी मुझे किसी ने राधा नहीं बनाया मैं हमेशा कहना ही बनना करती थी और uh, जैसे जैसे धीरे बड़ी हुई आ, हम सब ने मरते हम सॉरी सर हाँ कैन आई जस्ट टेक दिस अगेन बहुत एनर्जी लो गई या जब मैं छोटी थी तब मैं जब मैं छोटी थी तब मेरा सबसे पहला प्ले कृष्ण लीला था और उसमें मैं राधा नहीं मैं काना बनी थी जी हाँ मुझे हमेशा काना बनाया जाता था राधा कभी नहीं बनी और अब जब मैं इनफैक्ट जब मैं स्कूल डेज में थी उसके बाद हम सब ने जन्माष्टमी मनाना शुरू किया हम सब मंदिर जाते थे और खूब नाचते थे इतना नाचते थे कि जब तक पैर ना दुख जाए तब तक बस नाचते ही रहते थे पर इस साल हम जन्माष्टमी इतने अच्छे से शायद सेलिब्रेट ना कर पाए पर कोई बात नहीं घर पे करेंगे और आ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कान्हा जी का जन्म बहुत अच्छी तरह से करूँ अपने ही घर पे और आप सबको कुछ विश करूँ अभी कि हो गया कुछ बोला था मैंने आगे एक्चुअली जो एक बार बोल दिया ना मुझे एक बार याद नहीं आता है